आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में यादव परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने मामला दर्ज करते हुए कई जगह छापे भी मारे थे और कथित भ्रष्टाचार को जेडीयू खेमे की तरफ से तेजस्वी यादव पर इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा था। हालांकि तेजस्वी यादव खुद पर लगे इन तमाम आरोपों को झूठा करार देते हुए इसे पीएम मोदी और अमित शाह की साजिश करार देते रहे हैं। तेजस्वी का कहना था कि बीजेपी 28 साल के एक युवा से डर गई है, इसलिए उन्हें फंसाने की साजिश की जा रही है। ये जो घोटाला बताया जा रहा है, तब मैं 13-14 साल का था, इस उम्र में घोटाला कैसे कर सकता हूँ, तब तो मेरी मूछें तक नहीं उगी थी। साफ है पुत्र मोह में बिहार की सियासत के सबसे बड़े विजेता लालू यादव 12 साल बाद एक बार फिर बैकफुट पर चले गए हैं। ऑब्जर्वर डॉन ब्यूरो,